यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई पूरा फ्री फायर इंस्टॉल हो गया। अब अपने नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कैसे करी आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैंने अपने नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर लिया है। अब मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले तो इसको डिलीट करूँगा और फिर इसको डाउनलोड करके दिखाऊँगा, जिससे कि आप लोगों को डाउनलोड करने में आसानी हो जाएगी। अब जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो मैंने डिलीट कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं भाई ये नॉर्मल फ्री फायर एडवांस सर्वर है, ठीक है, ये एडवांस सर्वर है। अब हम नॉर्मल फ्री फायर को यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, तो कैसे करना है तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग प्ले स्टोर पर आके सर्च करते हैं नॉर्मल फ्री फायर, तो जैसे आप लोग फ्री फायर सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारे प्ले स्टोर पर फ्री फायर मैक्स देखने को मिलेगा। बट गाइस आप लोगों को मैं बताऊंगा फ्री फायर मैक्स आप लोगों को क्यों देखने को मिला है, आखिर यहाँ पे हमारा फ्री फायर अनबैन क्यों नहीं हुआ है, कैसे इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे हमें फ्री फायर मैक्स देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे हम अपने नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कैसे करेंगे तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो गाइस उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना, अपने फ़ोन में जो है अपने फ़ोन में गाइस आप लोगों को गूगल को ओपन करना है। गूगल के सर्च बॉक्स में आप लोगों को सर्च करना है FF07Gamer75। तो जैसे आप लोग सर्च करेंगे FF07Gamer75 तो फर्स्ट में ही आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों को इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को सर्च बॉक्स का बटन देखने को मिला है, आप लोगों को सर्च वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है, मिलेगा राइट साइड में, तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है। तो जैसे कि आप लोग सर्च करेंगे फ्री फायर डाउनलोड, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्च कर देना है और सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक आर्टिकल शो हो जाएगा फर्स्ट में ही, तो आप लोग इस आर्टिकल को देख रहे हैं तो आप लोगों को इस आर्टिकल के ऊपर क्लिक करना है, ऐड आएगा, ऐड को कट कर देना है। ऐड कट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों से कुछ सेकंड का वेट मांगेगा, जहाँ पे लिखा रहेगा यू हैव टू वेट 20 सेकंड, तो यहाँ पे आप लोगों को 20 सेकंड का वेट करना है जिससे कि हमारा लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं जिससे कि हमारा लिंक एक्टिवेट हो जाए। तो लिंक एक्टिवेट होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 सेकंड रह चुकी है तो सेकंड का समाप्त खत्म हो चुका है, जो हमारा नीचे लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा नीचे चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे चल के दिखाता हूँ, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड नाउ का बटन देखने को मिलेगा, नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड, तो आप लोगों को इसके ऊपर टाइप कर देना है तो आप लोग आ जाएंगे गरीना फ्री फायर के लेटेस्ट वर्जन पर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को लेटेस्ट वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग ऊपर की साइड में देख सकते हैं भाई ये जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूं क्योंकि मैंने इसको पहले से ही ऑलरेडी डाउनलोड किया हूं, क्योंकि मैं अपनी एमबी जो है वेस्ट नहीं करना चाहता। तो उसके बाद जैसे आपका नॉर्मल फ्री फायर डाउनलोड हो जाए, उसके बाद यहां पे जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे यहां पे आ जाएगा कैन ओपन फाइल। तो यहां पे अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ जाए कैन ओपन फाइल, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है चलो मैं सब कुछ आपको बता देता हूं। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आप लोगों को हमारी वीडियो के नीचे लाल कलर का जो बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, आप लोगों को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन आएगा इसे ऑल पे प्रेस कर देना है, जिससे कि मैं फ्री फायर से रिलेटेड अपडेट की वीडियो डालूंगा आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पे आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन करना है, प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में आप लोगों को सर्च करना है जेड अंजीर। तो यहां पे आप लोग जैसे जेड अंजीर सर्च करेंगे तो यहां पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हूं। तो जैसे गाइस आप लोग प्ले स्टोर पे आके सर्च करेंगे जेड अंजीर तो आप लोग देखना, मैंने इसको पहले से ऑलरेडी डाउनलोड किया हूँ। तो आप लोग जो है इसको डाउनलोड करके यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आप लोगों को कुछ परमिशन दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड किया हूँ तो ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है, इंस्टॉल का बटन देखने को मिलेगा, आप लोगों को इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करना है। जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो डाउन जो इंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ चुका है तो हम यहाँ पे
जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ पे वेट करना होगा 4 से 5 सेकंड का। जो हमारी फाइल है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई है। तो भाई यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई पूरा फ्री फायर इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जो हमारा नॉर्मल फ्री फायर है वो हमारे गेम के अंदर भी ऐड हो चुका है। तो भाई ये आ चुका है हमारा नॉर्मल फ्री फायर। तो आप लोग भी इसी प्रकार से अपने नॉर्मल फ्री फायर को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी आए तो नीचे कमेंट बॉक्स देखने को मिलेगा, कृपया करके मुझे कमेंट में अपनी परेशानी बताएं, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।